ग्रुप टू की बात कर रहे हैं, ग्रुप टू की बात करें, ग्रुप टू लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग नंबरिंग दी, सेकेंडली किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग दी बच्चों, किसके अकॉर्डिंग दी, लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग या मेंडेलीफ के अकॉर्डिंग, मेंडेलीफ के अकॉर्डिंग। इन्हें क्या कहा जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनका नेचर भी बेसिक होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बाद में जाके हम ये पढ़ेंगे कि बेरिलियम, बेरिलियम इज नॉट अ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसा क्यों होता है ये हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत, एक्चुअली बेरिलियम का जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, इसका नेचर होता है एम्फोटेरिक। कैसा नेचर होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे, ठीक है ना, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, तो इसे हम एल्कलाइन कह सकते हैं क्या, सिर्फ नहीं कह सकते। तो बेरिलियम इज नॉट अ एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। बाकी किसको कहते हैं, बाकी सबको कहते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इसके नीचे सब कुछ। अच्छा सर, आप नीचे वाले कैसे याद हैं आपको, ट्रिक से है ना, आपके ट्रिक्स लिखवाई है, न्यूमॉनिक्स लिखवाए हैं आपको है ना, उससे याद है आपको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्या आता है उसके नीचे, मैग्नीशियम, कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और फिर रेडियम है ना। ठीक है, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बता दो बच्चों, कितना होता है, कितना होता है भाई, चार होता है, तो फिर कर दो ना इलेक्ट्रॉन्स फिल, आप ऑलरेडी कर चुके हो है ना, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, चार, तो 1s2, 2s2, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 1s2, 2s2, 2p6 का कितने हो गए, 10, और फिर क्या आ गया, 3s2, यहां क्या आ गया, 2s2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 20, तो क्या आ जाएगा, 3p6 का कितने हो जाते हैं, 18, तो 4s2 तक कितने हो गए, 20 है ना। अगर मैं, अच्छा ये पीरियड कौन सा है, ये पीरियड कौन सा है, बेरिलियम कौन से पीरियड के अंदर आता है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है ना, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये सिक्स पीरियड का है और ये सेवंथ पीरियड का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, कि अगर सेकंड पीरियड का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन है 2s2, थर्ड पीरियड का क्या होगा, 3s2, फोर्थ पीरियड का क्या होगा, 4s2, तो मुझे बताओ सिक्स्थ पीरियड बेरियम का कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट 6s2, फिफ्थ पीरियड के लिए 5s2, सेवेंथ पीरियड के लिए 7s2, मैं कहूं एंथ पीरियड है तो क्या हो जाएगा, ns2। तो ये लीजिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया, ग्रुप टू के लिए क्या आ गया बच्चों, ns2, कोई दिक्कत, बढ़ जाए आगे। अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये दो आ रहा है, कैसे आ रहा है दो, अगर मैं बात करूं बेरिलियम की तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा, सेकंड, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, दो, दो है। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, दो, तो ये दो आ गया। कैल्शियम आउटर मोस्ट शेल कौन सा, फोर, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, टू, तो ये टू आ गया, कोई दिक्कत। ग्रुप वन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वन, ग्रुप टू में दो, ये मैंने ग्रुप वाइज देखा, ये कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर वन, ये कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर टू। अब मैं पूरे एस ब्लॉक की अगर बात करूं तो पूरे एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, सबसे पहली बात एनएस में इलेक्ट्रॉन जाता है, जाता है, अच्छा ग्रुप वन में कितना गया, एक, ग्रुप टू में कितना गया, दो, तो कितने से कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एस ब्लॉक में, तो मैं कहूंगा वन से लेकर टू, कोई दिक्कत। तो पूरे एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, एनएस वन से टू, अगर वन है तो ग्रुप नंबर वन, अगर एनएस में दो इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों आगे काम में आएगा हमारे जब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, ठीक है, तो वहां काम में आएगा। अगर मैं कहूं एनएस वन, एन क्या बता रहा है, पीरियड नंबर, एस क्या बता रहा है, सब शेल, या फिर मैं कहूं ब्लॉक बता रहा है, ठीक है, और उसमें वन इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप कौन सा, वन, अगर एनएस टू है तो ग्रुप कौन सा, टू। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर एस ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनएस वन से टू, कोई दिक्कत। ये किसकी बात करी हमने, एस ब्लॉक की, ठीक है। बच्चों अपन ने ये अपन ने पढ़ा फर्स्ट डे और सेकंड डे का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।